थानासदा क्षेत्र के देवरी रोड पर घर में चोरी करने घुसे चोर को रंगे हाथों दबोच लिया। चोर की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। इससे पूछताछ में दूसरा युवक भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी का भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। घर दुकानों में चोरी कर शातिर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। थाना सदर देवरी रोड पर चोरों ने एक एक कर तीन घरों को निशाना बना लिया। जगार होने पर भीड़ ने एक चोर को दबोच भी लिया, जबकि उसका साथी भागने में सफल हो गया। पुलिस ने बताया कि रंगे हाथ पकड़ा गया चंद्रभान सेवला सदर का रहने वाला है। भीड़ ने चंद्रभान की जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे साथ का लड़का वो प्रमोद है? प्रमोद। फिर क्या हुआ? वो मैं ले गया था भीतर घुसा के। वो मैं गेट पर ढड़ा था, वो अंदर जाने क्या करा था, तो उसमें और निकल आए थे बंद। चंद्रभान का कहना है कि सादाबाद का रहने वाला प्रमोद उसको लेकर गया था। रात 11 बजे ही एक एक कर तीन घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे दिया। वारदात के दौरान डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया। इसके बाद आसपास के लोग जाग गए और चंद्रभान को पकड़ लिया। मुझे नहीं पता सर, उसी को पता। मुझे तो एक 20 की गड्डी थी, 10 की गड्डी थी बस। पायल पकड़वा दिया, मैंने ही पकड़वा दिया सर। चोर चंद्रभान ने बताया कि उसका साथी प्रमोद घटनास्थल से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने जानकारी हासिल कर उसे भी बाद में गिरफ्तार कर लिया। छात्रों के कब्जे से चुराए गए नकदी जेवरात भी बरामद हो गए हैं। पुलिस पकड़े गए चोरों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। वहीं पूछताछ में कई घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।